मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे योर न्यू टॉपिक, ठीक है, सम स्पेशल इंटरव्यू। आज हमको बताना है कुछ स्पेशल इंटरव्यू, ठीक है, जैसे बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स होता क्या है, पहले ये देखते हैं। बैड डेब्ट ऐसा अमाउंट जो हमको रिसीव नहीं हो पाया है, जो डूब चुका है, ठीक है। जैसे हम पढ़ के समझाते हैं क्या, ठीक है। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट, ठीक है, एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इन रिकवरेबल ड्यू टू हिस इंसॉल्वेंसी फॉर सम अदर रीजन, द अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेब्ट्स। ऐसा अमाउंट जो हमने गुड सोल्ड किया किसी अदर पार्टी को, किसी पर्सन को, और कुछ अमाउंट जो हमको रिसीव नहीं हो पाया है, ठीक है, नॉट रिकवर्ड अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने किसी पार्टी को गुड सोल्ड किया 1,00,000 रुपये का, ठीक है, और वो किसी भी रीजन से, या उसका जो बिजनेस है वो इंसॉल्वेंस हो गया, मतलब कंगाल हो गया है, डूब गया है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो वो हमको 80,000 रुपीज़ ही पे कर पाया है और 20,000 रुपीज़ वो हमको पेड नहीं कर पाया है, ठीक है। तो 20,000 रुपीज़ है वो हमारा कौन सा अमाउंट हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया। ऐसा अमाउंट जो हमको नहीं मिल रहा है, ठीक है, उस अमाउंट, उस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, बैड डेब्ट्स कहेंगे, ठीक है। अब इसकी एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है देखते हैं। बैड डेब्ट्स अकाउंट इज डेबिटेड एंड द कस्टमर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, ठीक है। जो बैड डेब्ट्स हो रहा है क्योंकि मेरा लॉस हो रहा है, और अकॉर्डिंग टू रूल लॉस को हम लोग कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग बैड डेब्ट्स को कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे। और कस्टमर, क्योंकि हमको इससे पैसे रिसीव करने थे, क्योंकि हमने सामान इन्हीं को बेचा था, इन्होंने हमको पैसा पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, तो ये पैसा हम जो है, तो कस्टमर अकाउंट को हम लोग कहाँ कर देंगे, डेबिट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। किस कंडीशन में, जब अमाउंट हमको रिकवर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। रवि को क्या करना था, हमको 10,000 रुपीज़ पे करना था, लेकिन वो डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, ठीक है, वो पैसा हमको नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हमारा अमाउंट है वो क्या हो गया, बैड डेब्ट्स हो गया, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रवि अकाउंट हो जाएगा, जैसे भी हमने आपको यहाँ बताया था रूल, ठीक है। तो 10,000 रुपीज़ हमको इनसे रिसीव करने थे, ठीक है, रवि को हमने गुड सोल्ड किया था और ये हमको पैसा 10,000 रुपीज़ देने वाले थे, लेकिन इनका जो बिजनेस हो गया वो जो है इंसॉल्वेंट हो गया, इसलिए ये पैसा हमको अब नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो इसके अकाउंट को हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट डॉट टू रवि अकाउंट 10,000 से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या ये देखते हैं। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। जो हमारा बैड डेब्ट्स था वो हमारा लॉस हो रहा था, इसलिए हमने उसको डेबिट साइड लिखा था, लेकिन जो पैसा हमको, ऐसा पैसा जो डूब चुका है, हमने मान लिया वो डूब गया है, अगर वो किसी भी रीज़न से हमको मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री कैसे करना है ये देखते हैं। पहले देखते हैं है क्या चीज़। सम टाइम इट सो हैपेंस दैट द बैड डेब्ट प्रीवियसली रिटन ऑफ आर सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड इट सच केसेस द फॉलोइंग एंट्री, ठीक है। इस केस में एंट्री हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। जैसे हमने कहा कि हमारा पैसा डूब चुका है और किसी भी रीजन से अब वो हमको पैसा रिकवर हो जा रहा है, ठीक है, तब हमारे पास कैश आ रही है, कैश जब आती है तो बैंक कैश को डेबिट कर देते हैं, उस कंडीशन में कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, जो अमाउंट होगा यहाँ पे हम लोग पोस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमको बताना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमको करंट ईयर में करना था लेकिन हम नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो उस टाइप का जो एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ आ एम्प्लॉइज पेड सैलरी 1,000 पर मंथ एंड इफ ड्यूरिंग द ईयर ओनली 11 मंथ सैलरी अमाउंटिंग टू 11,000 हैज़ टू बी पेड हिम 1,000 फॉर द मंथ विल बी द आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी एम्प्लॉय को हमको पेमेंट करना था 1,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और जो टोटल अमाउंट होता है वन ईयर का तो वो 12,000 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 11,000 रुपीज़ आ रहा है। इसका मतलब 1,000 रुपीज़ जो है हमने पेड नहीं किया है करंट ईयर में, जो हमको पेड करना था,
ठीक है। तो 1000 रुपीज़ ये जो है, ये हमारा, ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग कहेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा एक पैसा जो हमको करंट ईयर में पे करना था और हम नहीं पे कर पाए, ठीक है, तो उस एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे, ठीक है। और ये जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि हमको किसी को पैसा देना था और हमने नहीं दिया है करंट ईयर में, तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर के लिए मेरी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो लायबिलिटी को हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे हम लोग, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। मान लीजिए रेंट हमको पे करना है तो हमने पे नहीं किया है, तो यहाँ रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। और मान लीजिए मजदूरी वेजेस पे करना था, वेजेस हमने पे नहीं किया है, कुछ बाकी है, तो वेजेस अकाउंट यहाँ डेबिट हो जाएगा टू आउटस्टैंडिंग वेजेस हो जाएगा, ठीक है। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है वही लिखेंगे खाली, ठीक है, टोटल अमाउंट नहीं लिखेंगे। तो ये हमने बहुत ही कुछ स्पेशल एंट्री बताई थी जो आपको मैंने पहले नहीं बताया था, ठीक है। तो इतना पढ़िए जब तक।